नमस्कार, मैं रमेश जायसवाल आप लोग को हाउ टू कंस्ट्रक्ट टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन इन डिस्क्रीट सीरीज टोटल फाइल करने वाले हैं। तो देखिए आप लोग यहां तक फाइल तक आप लोग टेबल तक रेडी कर चुके हैं, तो उससे आगे हम लोग सॉल्व करने तक आगे चलते हैं, ठीक है। तो इतना सॉल्व करने के लिए देखिए आप लोग इतना तो कर चुके हैं, अब उसके बाद देखिए आप लोग को मैं करा रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पर सॉल्व आ चुका है, टेबल बन चुका है, हम लोग को इतना ही करना है। तो पहले आप लोग देखिए विनो देर लिखिए, समेशन लिखिए, तो हम इतना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं टेक्स्ट पे, बैकस्लैश टेक्स्ट विनो दैट लिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तो बैकस्लैश टेक्स्ट ओवरलाइन किस पे, एक्स पे, तो बैकस्लैश छूट गया था इसलिए ओवरलाइन नहीं बना। ओवरलाइन एक्स बराबर बैकस्लैश फ्रैक्शन देंगे, शुरू में क्या है समेशन एफ एक्स होना चाहिए और यम भी समेशन एफ एक्स इंडिविजुअल बाय यान हम लोग को फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रखते हैं समेशन। तो आप लोग को मैं दिखा रहा हूं, देखिए कौन सा यान रखना है। देखिए तो ये मीन वाला है, समेशन वाला रख लीजिए और डिविजुअल बाई यान रख लीजिए, जो यान हम लोग को प्रश्न में देगा, ठीक है। तो उसको यान को रखना है, इसलिए हम लोग देखें पहले मीन। तो मीन हम लोग को कितना दिया है, 40 दिया है। तो आगे हम जो और है उसे आप लोग को बता रहा हूं, और लिख लीजिएगा, ठीक है, इक्वल और बैकस्लैश फ्रैक्शन। तो बैकस्लैश फ्रैक्शन में क्या है, जो समेशन एफ एक्स है प्लस, और हम लोग को क्या है एल 10 एक्स वन प्लस एल 11 और एक्स टू, यही तो हम लोग को दिखाना है समेशन एफ एक्स में। डिविजुअल बाई कितना है, जो हम लोग को यन दिया है, ये हो चुका। तो ये सेकेंड वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर नेक्स्ट टेक्स्ट में, तो और लिख लेते हैं। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, जो 930 प्लस एल 10 एक्स वन प्लस एल 11 और टेक्स टू यहां पर, और किसको मल्टीप्लाई कराएंगे देखे, और हम लोग को क्या है ये जो मीन एन वन है और मल्टीप्लाई बाय किस पे करना है, एन वन पे। तो हम लोग को यहां तक तो फाइल अभी कुछ करना नहीं है, तो अब कमांड में जाएंगे। तो देखिए हम लोग को जो एम वन है मीन और जो एन वन है कैपिटल एन वन जो हम लोग को प्रश्न में दिया, वो मल्टीप्लाई करना था। तो मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, आ रहा है, तो इसे ए ही लिखते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोग कमांड डालते हैं यहां पर, तो ठीक है हम लोग यहां पर रख रहे हैं बैकस्लैश टेक्स्ट और। तो देखिए हम लोग को समेशन ए वाला प्लस 10 एक्स वन प्लस 11 एक्स टू बराबर हम लोग को क्या दिखाना है, ए दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग को इतना आ चुका है, तो जो ये है 930 आ जाएगा, तो सबट्रैक्ट होगा, तो उसको दिखाना है हम लोग को। तो टेक्स्ट में चलते हैं, बैकस्लैश टेक्स्ट और आप लोग देख लीजिएगा, और आप लोग को देखिए हम लोग को क्या करना है, जो 10 और एक्स प्लस जो 11 वाला और y वाला रख देना है इधर, ठीक है। और जो इधर है तो हम लोग को 2040 जो सब्ट्रैक्ट है यहां पर, सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, यस या फैक्स से। तो जो हमारा आ गया वो फाइल इधर है, ठीक है। तो देखिए हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो किस पे कर रहे हैं, देखिए जो a हम लोग लास्ट में किए हैं दो मल्टीप्लिकेशन और यस या फिर एक्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को कुछ तो मिलेगा। तो हम लोग को मिला कितना,
और ये बी मिला है, ठीक है। तो हम लोग इस पे टेक्स्ट पे चलते हैं आप लोग को, बैकस्लैश टेक्स्ट। तो और पे दिखा रहा हूँ आप लोग को, डायनेमिक बना रहे हैं ऑल इन वन, तो 30 और एक्स वाला, ठीक है, और प्लस और क्या है 40 और वाई वाला, इक्वल कितना दिखा रहे हैं हम लोग को, यहाँ पर दिखा रहे हैं बी। तो ठीक है, यहां तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम लोग देखिए इसमें जो कॉमन है तो वो कॉमन निकालना चाहते हैं, तो कॉमन पे काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब यहाँ पर कमांड करना, क्योंकि यहां से देखिए 5 से डिविजुअल है ना, तो 10 से भी डिविजुअल है, तो उसे हम कमांड डालते हैं। तो देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, जीसीडी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जीसीडी। तो जीसीडी किसका, एल टेन का, और एल टेन का निकालेंगे और एल इलेवन का निकालेंगे, क्योंकि वही तो दोनों का है, तो एल इलेवन का निकालते हैं। तो जो जीसीडी हमारा आया वो कितना आ चुका है, देखिए 10 आ चुका है, मीन्स 10 से डिविजुअल होगा तीनों में, ठीक है। तो जीसीडी आ चुका है, तो हम लोग टेक्स्ट डालते हैं जो हमारा सी आया है। तो इफ कंडीशन डालते हैं, देखें अगर सी बराबर किससे किससे होगा, 1 3 मीन्स प्राइम नंबर आप डाल लीजिएगा 7 9 अगर हुआ तो हमारा क्या आना चाहिए, ए और टेक्स्ट, ए नहीं एल 10 टेक्स्ट 1, ठीक है, ए टेक्स्ट 1। और क्या सीधे भी हम लोग प्लस भी यूज कर रहे हैं इसी में, ठीक है, प्लस एल 11 टेक्स्ट 2, ठीक है, ए आएगा। अगर कुछ और में आ जाएगा, जैसे डिविजुअल 2 में आ जाएगा, 2 का फॉर्म आ जाएगा, तो हम लोग को चाहिए क्या, एल 10 डिविजुअल बाई सी टेक्स्ट 1 चाहिए, प्लस एल 11 डिविजुअल बाई सी हम लोग को क्या चाहिए, टेक्स 2 चाहिए। तो कमांड डाल रहे हैं, ठीक है, आप लोग को समझ आ जाएगा। देखिए हम लोग क्या करना है, जो 1 3 5 7 9 जो डिविजुअल नहीं है, ठीक है, अब खास तो ले सकते हैं, अब कौन सा नंबर ले, 1 से ले, 3 से ले, जो अब देखिए डिविजुअल 5 से तो हो सकता है ना, 5 से हो सकता है, तो जैसे 1 लिख सकते हैं, देखिए किससे किससे 1 लिख सकते हैं, और 2 से होता है, 3 से होता है, 5 से होता है, 7 से होता है, और 9 से होता है, 11 लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। तो नॉर्मली मैंने क्या लिखा था, 11 13 ऐसे 17 लिख दिए थे, तो ऐसे इंटर करेंगे तो देखिए हम लोग को मिला क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखें, हम मिला है 3x + 4y, ठीक है, 3x - 3x क्या मिला है, अब 4y। तो इतना तो हम लोग को मिल चुका है, तो ठीक है, वही वाला कमांड जो हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यही कमांड और कॉपी कर लेते हैं। देखिए हम लोग को ऐसे दिखा, कॉपी किए थे, अब इस जगह पर हम लोग पेस्ट करेंगे, ठीक है, हम लोग ऐसे काट देते हैं कि हम लोग को बी मिले, ठीक है, कि तो बी डिविजुअल बाई सी मिले, हम लोग इंटर पे क्लिक करते हैं। तो देखिए डिविजुअल मिल चुका है, कितना आ गया, 111 आ चुका है। तो हम लोग इसे इक्वेशन क्या है, फर्स्ट मान देते हैं, तो बैकस्लैश टेक्स्ट क्या है, 3x + 4y है, और इक्वल पे रखकर हम लोग डी वाला 11 पे क्या कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या आ चुका है, फर्स्ट वाला आ चुका है, यहाँ तक हम लोग काम कर चुके हैं। अतः आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ तक आप लोग फर्स्ट काम कर चुके हैं, और हम लोग ये अगेन पे काम करते हैं। तो देखिए ये सब लोग आप लोग को इस जो बोल्ड कर देना चाहिए था, बोल्ड नहीं किए, इस माल में किए हैं, मीडियम कर देना चाहिए था, बोल्ड मीडियम बोल्ड। तो ठीक है, वही सब एग्जिस्ट कराने के लिए आप लोग को मैं सिर्फ इधर दिखा रहा हूँ आप लोग को, तो ऐसे एग्जिस्ट कर लेते हैं आप लोग। वी नो दैट एक्स
ऐसे हम लोग मीडियम बोल्ड करते चलते हैं। आप लोग शुरू में कर लेना चाहिए था। ठीक है, इतना तो हमारा हो चुका है। ठीक है, इतना तो हमारा सॉल्व आ चुका है। तो दूसरा कंडीशन क्या देखे, जो सम n बराबर क्या होगा, समेशन f होगा। तो हम लोग यहीं पर रख लेते हैं backslash text और again दे देते हैं। आप लोग again पे देखे और फाइल पे मीडियम लगा दें, मीडियम बोल्ड लगा देते हैं सभी काम पर। ठीक है, यहां पर क्या करते हैं, देखे मीडियम बोल्ड तो इस पे काम कराते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस पे चलते हैं। ठीक है, अगेन पे देखे आप लोग को मैं दिखा रहा हूं कि जो समेशन एफ होता है वो किससे इक्वल होता है, एन से। वो सबको मालूम है, तो हम लोग वही बराबर दिखा रहे हैं। देखे तो यहां पर देखें और हम लोग आप लोग को दिखा रहा हूं, देखिए समेशन और आप लोग लगा दीजिएगा। तो देखिए n कितना है समेशन वाला का, तो आप लोग शुरू को दिखा रहा हूं, n1 हम लोग इस्तेमाल दिए थे 21 और प्लस टेक्स्ट 1 और प्लस टेक्स्ट 2 है। तो आप लोग टेक्स्ट 2 बराबर किससे बराबर है, n से। तो n हमारा कितना दिया है 51, तो आप लोग यहां तक मालूम है। तो देखिए आप लोग को सबट्रैक्ट कर लीजिएगा यहां पर, और तो यहां पर यहीं पर सबट्रैक्ट कर सकते हैं। आप लोग यहां पर सबट्रैक्ट कर लीजिएगा किससे, एन वन इस कैपिटल से माइनस स्मॉल एन वन कर लीजिएगा। तो हम लोग को कुछ तो मिला होगा, इसका नाम देखे ई मिला है अभी, तो ई रख लेते हैं यहां पर। देखे तो बैक स्लैश टेक्स्ट, टेक्स्ट तो मिल चुका है 30 कितना है। अब टेक्स्ट लगा लेते हैं, देखे टेक्स्ट 1 प्लस टेक्स्ट 2 इक्वल, अब हम लोग घटा दे रहे हैं पहले एक स्टेप के लिए, एन वन कितना है 51 माइनस स्मॉल वाला एन वन दे देते हैं। तो आगे जो स्टार्ट में है तो हम लोग क्या देंगे, और देते हैं। ठीक है, तो और दे देते हैं तो देखिए हम लोग इस पे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर backslash text पे चलते हैं। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम ये text plus और text y बराबर कितना दिखा देना है, कितना दिखा देना हम लोग को, ई दिखा देना है। तो हम लोग बराबर तो दिए नहीं थे, बराबर ये दिखा देना है। तो हमारा आ चुका है यहां पर, और ठीक है यही को तो हम लोग क्या मान देते हैं, इक्वेशन सेकंड मान दे रहे हैं। ठीक है, यही को हम लोग क्या मान दे रहे हैं, इक्वेशन सेकंड मान रहे हैं। तो ये ठीक है। ठीक है, अब देखिए कोफिशियंट किसका भाई इक्वल करना चाहते हैं, एक्स वाले की क्यों वाई वाले को। तो हम लोग एक्स वाले को इक्वल करना चाहते हैं, तो वही कंडीशन लगा लीजिएगा, ये उठा लीजिए और कॉपी कर लीजिएगा, और कुछ नहीं करना है, बस उसी को कॉपी करके पेस्ट करिए। जो देखिए जो टेक्स्ट वाला है, टेक्स्ट का कंडीशन तो हम लोग को लगाने वाले हैं नहीं, तो हम लोग लगा रहे कि यल 10 चाहिए कि तो यल 10 डिविजुअल बाई सी चाहिए। ठीक है, हम लोग को इतना ही चाहिए था, तो कंडीशन लगा दिए, इंडिविजुअल इंटर पे क्लिक कर दीजिए। हम लोग को कुछ तो मिला होगा, 3 मिला। ठीक है, तो हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, देखिए आप लोग को मल्टीप्लाई विथ 25 ऑन बोथ साइड। तो आप लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं, आप लोग लिख सकते हैं टेक्स्ट, तो मैंने ऐसे ही कॉपी कर लेता हूं। इस पे ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। तो हम देखे यहाँ पर यहाँ विथ क्या है, तो विथ वाले पे हम लोग इस पे जो एफ है इसे लिंक कर लेते हैं। तो देखिए 3 वाला मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, किस पे, ये इस पे कर रहा है।
टेक्स्ट वन पे टेक्स्ट टू पे। तो देखिए मल्टीप्लाई कर दिया है तो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो लिख रहेंगे तो क्या होगा, टेक्स्ट पहले थ्री क्या है टेक्स्ट वन प्लस उसके बाद थ्री और टेक्स्ट टू, ठीक है। टेक्स्ट टू बराबर क्या होना चाहिए, थर्टी। थर्टी क्या है, ई। ई में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ई में मल्टीप्लाई करना है किससे, एफ से। तो हमारा 90 आ गया, यही जो हमारा थर्ड सम इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, थर्ड, सेकंड थर्ड आएगा। तो थर्ड तो आ चुका है, थर्ड हमारा आ चुका है। उसके बाद देखें आप लोग को मैं क्या कर रहा सिखा रहा हूं आप, उसके बाद नेक्स्ट पे देखो, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम वन इक्वेशन और। तो आप लोग को टाइम सेविंग करने के लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग टेक्स्ट में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, इतना बना चुके फाइल, तो आप लिख सकते हैं। तो मैंने सबट्रैक्टिंग ऑन इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन वन, तो जो थर्ड वाला है उससे हम लोग क्या किए हैं, सबट्रैक्ट कर दिए हैं। देखिए जो थर्ड वाला है वो किससे, वन वाले से, किससे, वन वाले से। तो यहां पर चलते हैं आप लोग को, अब थोड़ा सा ये फाइल मैनेज करेंगे अभी, अभी ऐसे लेते हैं। देखिए तो पहला थर्ड वाला क्या है, ठीक है। थर्ड वाला आप लोग को दिखा रहा हूं, पहले इक्वेशन फर्स्ट वाला लिखते हैं। तो टेक्स्ट पे चलते हैं, बैकस्लैश टेक्स्ट। तो आप लोग को मैं दिखा रहा हूं थर्ड वाला हम लोग यहां पर लिए थे, यहां पर, ठीक है। और माइनस, माइनस ये वाला नहीं, ये वाला माइनस यूज करेंगे। और क्या करना है, थ्री एक्स, तो थ्री यहां पर से है, एक्स वाला यहां पर ले लेंगे टेक्स्ट वन वाला, और माइनस जो है यहां पर देखें यप, तो थ्री और वाई वाला लेंगे तो वाई आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को इतना तो मिल चुका है इक्वल, ठीक है। और इस पे देखिए जो हम सॉल्व किए थे कितना था, डी आया था, और फिलहाल ये कितना है, 90 है। तो हम लोग माइनस क्या करेंगे, माइनस इससे लेते हैं, माइनस ई वाले में एफ से मल्टीप्लाई करके हम लोग कितना ला देंगे, 90, क्योंकि वही तो 90 लाए थे। तो हम लोग इधर काम कर रहे हैं, देखें तो हम लोग को मिला कितना, अब फोर वैसे निकालना, जो जैसे हम थ्री निकाले थे ना, यहाँ थ्री, ये थ्री वाला निकाले थे, तो यही को कॉपी करके हम लोग अब फोर, ये जो फोर वाला है उसे भी निकाल देते हैं हम लोग को। देखें यहां पर कंट्रोल भी करेंगे, अब ये इलेवन वाले पे काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को फोर चाहिए था, घटाना है, तो इलेवन वाला और यहां पर भी इलेवन वाला हम रख देते हैं। तो जो हमारा आएगा वो क्या मिल जाएगा, फोर। तो जी मिला है, तो हम लोग ये घटा देंगे, देखिए जी माइनस एफ करेंगे, ठीक है, और जी माइनस एफ करेंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा वन। तो वन आप लोग लिखिए, इस पे कमांड लगाएंगे, तो देखिए इफ अगर एच बराबर वन आ जाए तो हम लोग को कुछ ना दिखाएं, ठीक है, अदरवाइज हम लोग को यच दिखाया जाए। तो इंटर पे क्लिक कर दिए हैं, तो जो हमारा ये टेक्स है ये 22 लगाएंगे, ठीक है, ये 22 लगा देते हैं ये सबट्रैक्ट करके। और जो है 101 जो डी है, ठीक है, जो डी है उससे हम लोग घटाएंगे किसको, ई मल्टीप्लाई एफ वाले को, क्योंकि ई एफ मल्टीप्लाई करके तो 90 आया था, तो हम लोग कितना आएगा, 21 आ जाएगा। तो हम लोग इधर रखते हैं आप लोग को बैकस्लैश टेक्स्ट, पहले कर कितना रखते हैं टेक्स्ट 22, उसके बाद वाई, क्योंकि वाई पे रिस्पेक्ट पे तो सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल, और हम लोग को कितना आ जाएगा 22। तो जो आई का मान है वो फिलहाल के लिए आ जाएगा, ठीक है, फिलहाल के लिए आ जाएगा, तभी क्योंकि वन है। सपोज कीजिए कि वन नहीं है, टू है, थ्री है, सपोज कर लीजिए थ्री है, तो डिविजुअल करना पड़ेगा, तो सीधे हम लोग इसी पे डिविजुअल कर देते हैं। जो आई है उस पे किस पे डिविजुअल कर लेते हैं, यस से, तो जो हमें मिलेगा वही आंसर रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा जे है तब आंसर आया है, ठीक है, तो जो जे वाला है उससे आंसर लिखेगा, फिलहाल वो वाई वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर डिविजुअल नहीं किया था।
तो जो हमारा आई है वाई है वो आ चुका, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, यहां पर से जाएंगे सेकेंड वाले के लिए, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन क्यू इन इक्वेशन सेकेंड वाले पे, तो क्यू है तो क्यू बोलना है, एक्स है तो एक्स बोलना है, तो वो बोलने के लिए मैं यहां पर लगा देता हूं। देखिए यहां पर वाई ही तो ले आए हैं ना, कैसे लाए हैं देखिए, और टेक्स्ट लेकर आए हैं, तो वही हम लोग करेंगे यहां पर। टेक्स्ट में चलते हैं और कंट्रोल जो कॉपी के थे भेज कर देते हैं। देखिए पुट द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू, वाई का निकालना है, तो ऑलरेडी हम टेक्स्ट टू को निकाल चुके हैं, तो इन्हें क्वेश्चन टू पे सब पुट करने वाले हैं। देखें तो पहले क्या है यक्स, तो हम लोग यहां पर चलते हैं टेक्स्ट पे, तो हम लोग को यक्स निकालना है, तो यक्स वाला क्या है टेक्स्ट वन है। अब इक्वल रख दीजिएगा, पहला क्या है 30, तो 30 हम लोग को मिला कहां से था, ई से मिला था 30 है, तो 30 में क्या कर देना है, जो ये 21 है उसे क्या कर देना है, सबट्रैक कर देना है जे, तो जे सबट्रैक करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है यहां पर से हम लास्ट में फाइंडिंग कर सकते हैं टेक्स्ट कितना, टेक्स्ट वन, ठीक है। और मिलेगा कितना हम लोग को 30, क्या था 30 है ना, 30 कौन सा ई, जो माइनस है यहीं पर हम माइनस कर लेते हैं, माइनस क्या है जे, तो जे वाला माइनस कर लेते हैं, तो हमारा तो माइनस क्या है यहां पर चलेंगे जे है, तो जे माइनस कर लेते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं 21 और 9 जो हमने शुरू में आप लोग को बताया था, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो है ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है, अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस टेबल पे और इस पे क्या करना है स्लाइडर कंट्रोल कराना है, तो बैक स्लैश टेक्स्ट आप लोग सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, यहां पर सॉल्यूशन आ चुका है। अब यहां पर से हाइड कर लेते हैं, अब मैनेज करते हैं आप लोग को, ठीक है। अब हम लोग को स्लाइडर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, मीन्स 0 से लगाकर 22 तक हम लोग को स्लाइडर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं एम लिख लेता हूँ, यहाँ 0 से लगाकर 22 तक का स्लाइडर चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहां पर पहले एन वाले के लिए कंट्रोल कर लेते हैं इस पे, और क्या है देखिए एन ग्रेटर देन 0, और यहां पर देखिए और यहां पर कर लेते हैं और जाएंगे यहां देखिए एम ग्रेटर देन 0 कॉपी करते वन लगाते वो टू लगाते चलेंगे 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 14 15 16 17 18 19 20 ये तो हमारा फाइल हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग को प्रश्न लिखना है, ठीक है। तो हम लोग को प्रश्न लिखना है, तो हम लोग इसे देखिए क्या लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं और टेबल भी बना सकते हैं, तो हम लोग वही काम करने जा रहे हैं। देखिए तो आप लोग पहले मैं प्रश्न लिख देता हूं क्या क्या दिया है, ठीक है। तो बैक स्लैश टेक्स्ट आप लोग को मैं लास्ट में प्रश्न लिख के सिखा रहा हूं। देखिए तो आप लोग लिख सकते हैं, पहले एरो दीजिएगा, ठीक है, एरो आ चुका है। तो आप लोग लिखिएगा एन बराबर, एन हमारा कितना दिया है, तो एन हम लोग लिंक करेंगे। देखिए यहां पर से एन कितना दिया है, 51, जो 51 है, और एंड मीन कितना है, एंड मीन कितना है, देखिए तो मीन कितना है, 40 है, तो हम लोग 40 दिया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, इतना तो है। और देखे इतना आ गया पॉइंट, तो हम लोग फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो देखिए हम लोग को इतना प्रश्न तो लिख चुके हैं। अब टेबल बनाना है, तो आप लोग को टेबल बनाने के लिए हम टेबल टेक्स्ट यूज कर लीजिएगा, टेबल टेक्स्ट, और पहले देखिए अपेंड यूज कर लीजिएगा। अपेंड शुरू में ऑब्जेक्ट लिखना है, तो बैक स्लैश टेक्स्ट कलर रेड क्या लिखना है, यक्स, ठीक है। और किसे लिंक करना है, D1 से, और इस पे करना है अपेंड बैक स्लैश टेक्स्ट कलर रेड या क्या करना है, या फोन से। तो देखिए हम लोग को टेबल भी बन चुका है प्रश्न वाला। तो हम लोग को लाइन दिखा रहे हैं, तो इस पे लाइन ले सकते हैं और इस पे लाइन लिख सकते हैं, और ये बीच वाला चाहे तो बीच वाला दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है, और हम लोग को ये बटन बना देते हैं, ठीक है। तो बटन बनाने के लिए आप लोग को मालूम है कमांड सेट वैल्यू, पहले एन पे एन प्लस वन वाला, ठीक है, कॉपी कर लेता हूं एक, दूसरा बटन के लिए माइनस के लिए, ठीक है। तीसरा क्या कर लेता हूं, एन बराबर जीरो, इंटर एन बराबर जीरो भी ले लेता हूं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लिए बन चुका है, फोर्थ के लिए यहां पर कंट्रोल भी कर लेते हैं। अब यहां पर जो है एडिट करना है हम लोग को, अब एम पे लिए एम प्लस वन कर लेना है, कॉपी कर लेता हूं ये फोर के लिए, फिफ्थ के लिए वही वाला एम माइनस वन के लिए, ठीक है। अब बटन वन पे लिए हम लोग चलते हैं इस पे, अब हम लोग स्टाइल बार पे चलते हैं, स्टाइल बार पे हम इस पे वन टू थ्री के लिए क्रॉस, फोर के लिए और फोर के लिए ए वाला, और फाइव के लिए ए रहेगा, ठीक है,
ये तो बटन आ चुका है, तो हम लोग इस पे हटा देते हैं और इस पे बटन लगा देते हैं। तो बटन लगा रहे हैं इस पे, और इसको भी जो हाइड करेंगे इधर, और इसे भी बटन हम लोग यूज कर रहे हैं, और ये सब क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। और ये बटन कहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर, ये बटन यहाँ पर भी ऑफ में लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, और इस बटन पे जाकर आप लोग यहाँ इक्वल कर दीजिएगा एडवांस में शो करने के लिए। तो देखिए लेंथ D1 प्लस 2 बराबर n इक्वल हो जाए तो कंडीशन लगा दीजिए तभी शो हो। तो बटन इसके लिए था, और एक बटन उसी के लिए भी हम लोग शो कर रहे हैं। ठीक है, तो और इस पे जाइए, इस पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे जाइए, स्क्रिप्ट में जाइए, ऑन क्लिक पे जाइए, n इक्वल 0, इंटर m इक्वल 0 का कॉपी कर लीजिएगा। इस पे भी फ्रिक्वेंसी पे लगा दीजिए, इसमें भी लगा दीजिए। आप चाहते हैं तो टोटल पे लगा सकते हैं, मीन पे भी लगा सकते हैं, और एन पे भी लगा सकते हैं कि कोई भी चेंज किया जाए तो हमारा स्टार्टिंग से 0 से दिखाई दे। ठीक है, और जो ये इनपुट वैल्यू है इनपुट बार हटा सकते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो ग्राफिक में जाइए, ग्राफिक में टेक्स्ट पे जाइए, इस पे जाइए, बैकग्राउंड कलर है इस पे हम लोग ब्लू दिखा देते हैं आप लोग को। अच्छा देखिए ये तो बन चुका, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर है तो आप लोग ऐसे व्हाइट दिखा सकते हैं, और ये भी व्हाइट दिखा सकते हैं, सब व्हाइट दिखा सकते हैं ऐसे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब, और जो अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। ऐसे डायनेमिक फाइल हम बनाते रहते हैं, क्रश करिएगा। अब हम लोग को दिख लीजिएगा फाइल हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए हमारा फाइल भी काम कर रहा है, और हम लोग ऐसे फाइल बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।